तो हेलो गाइस, क्या चाल है? मेरा नाम मनु आवाज का मनु लॉग में। तो गाइस, जैसे कि आपने मेरे राखी के पार्ट वन और पार्ट जैसे कि आप देख ही चुके होंगे, तो गाइस मेरे एक भैया जो मेरे रिलेटिव है उनने एक वो लेकर आया, उनने एक काम करा है, ज्वेलरीज का काम शुरू करा उनने, और मैं आपको सबको ज्वेलरीज आपको दिखाने वाला हूँ। अगर अच्छी लगी तो मेरे को बताना। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसी ज्वेलरी चाहिए जैसे कि आप देख लीजिए कान के गले के सब लेंगे, तो मैंने इंस्टाग्राम के लिंक दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट से जाओ वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। कितने प्यार प्यारे फ्रेंड वाइफ अपनी सोना बाबू को सबको दे सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपने बोले बाबू ने खाना खाया नहीं खाया तो आप ये भी दे सकते हैं। एक चंद दो है तो अगर आपके सोना बाबू के लिए क्या नाराज हो रही हो तो ये दे दीजिए आप, और अपनी भाई बीबी सोना बाबू सब पता सकते हैं, आप देख सकते हैं। मार्च में पता नहीं लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जो इंस्टाग्राम के पेज में मैंने दे रखा है, देख सकते कितना प्यारे प्यारे आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे आप मतलब अलग अलग देख सकते हैं, यहाँ देखिए कितने प्यारे प्यारे बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा तो लाइक करो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, और ये देख सकते कितने प्यारे प्यारे छोटे मोटे गोले मोले ये देख सकते हैं, कितने प्यारे अपने घर में सजा सकते हैं, कितने अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोर है और एक और मोर, और यहाँ पे आग देख सकते हैं। बिग बॉस जो बिग बॉस के लवर है उनके लिए मैं बोलूँ, जो बिग बॉस लवर है वो ले सकते हैं। ये बॉर्ड आ जाओ आगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या, ये चांद है। कोई आपके बोलती है गर्लफ्रेंड बोले मेरे को चांद तोड़ के दे दो, चांद तो देना, और ये बिना बारिश का रेनबो और बहुत है। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसी एकदम मस्त मस्त ज्वेलरीज चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और इंस्टाग्राम में जाके आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे देखो बहुत अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे, ये भी देख सकते हैं कान की। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितने प्यारी प्यारी चीजें रखी, बहुत सारे देखो यहाँ पे सेक्शन, ये गले के स्टॉक गले के, ये देखिए चैन में अपने गले में लगा सकते हैं, बप्पी बाबू बन सकते हैं एकदम, क्या बप्पी दादा, बप्पी 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 दी बी 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 कोई भाई इयररिंग्स 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 कोई फोन दो सर भाग दे दो तू सर भाग इन्हें कितने का दिया तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके लिए कितने सारे यहाँ पे चीजें रख चुका हूँ, ये कान के बुंदे लेके बिग बॉस का नाम जरूर देना ये, और यहाँ पे तो गाइस जो भी अभी मैंने आपको सब ज्वेलरीज दिखाई अपने गले मतलब गले का और ये सब का, और अगर आपको भी ये चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है, इंस्टाग्राम के वो पेज है, आप वहाँ से जाके ये सब ले सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट जो कि हो ही रहा है, और गाइस मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हर 6 दिन हर 6 महीने के बाद आपको बताऊँ क्या करना चाहिए, हर अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। अगर आप ठीक भी हो फिर भी आपको हर 6 महीनों के बाद अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा बंद शरीर होता है, कब अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाए इसका कोई डर नहीं रहे, इसका कोई पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा और हर महीने चेकअप कराइए अपना। यहाँ पे मेरे पापा मेरे और दीदी का रोज़ हर 6 महीने हमारे चेकअप कराते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ब्लड टेस्ट होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था, इसलिए मेरे पापा भी आ गए मेरे को, मैं अपने पापा से एकदम चिपक गया क्योंकि डर लग रहा था कहीं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे एक डॉक्टर भी आती है जो मेरे को पूरा बोलती है कि बेटा चिंता मत करो कुछ नहीं होगा, पर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर एकदम से जब सुई चली जाती है मेरे को वो ऐसा दर्द होता है जैसे चींटी काट रही हो, जब ब्लड टेस्ट ऐसे दर्द होते ना कहीं तो जैसे लगता है चींटी काट रही हो, पर आप चिंता मत करो इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता इसमें। और यहाँ पे मैं ब्लड टेस्ट बस सो ही गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ब्लड निकाला जा रहा है। तो खैर जैसे कि मैंने आपने देखी होगा मेरा ब्लड टेस्ट जो कि हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे मेरा जो कि ब्लड टेस्ट हो चुका है, तो अब मैं आया अपना पेट सिस्टम कराने अल्ट्रासाउंड महाजन हॉस्पिटल में, यहाँ पर मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला है, और पीछे मैं आपको बता सकता हूँ एक्सक्यूज़ मी।
तो गाइस जैसे कि अब मेरा हो चुका है अल्ट्रासाउंड भी कुछ हो चुका है, तो अब देखते हैं हम सीधे कहाँ जाएंगे। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, तो अंदर जाने के लिए तो कोई नहीं, बस सिर्फ मैं गया था अकेले अंदर, और अंदर किसी को जाने नहीं देते। वैसे पापा आए मेरे साथ, तो पापा को दिखा देता हूँ। सिंपल पापा आ रखे थे मेरे साथ, और कोई नहीं, मैं डर से लगूँ वैसे, डर से अकेले जाऊँगा पहली बार पता। अब मेरा जो ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जो होना था ना, वो तो हो चुका है। अब एक्चुअली मेरा रह रहा है, अब पता क्या रह रहा है, तो मैं आप वीडियो में देखते रहो। तो गाइस आज हम आए हैं यहाँ पे मूलचंद के पराठे वाले के पास, जहाँ पे इधर के पराठे गाइस मतलब बहुत टेस्टी होता है। मैं फर्स्ट टाइम जो कि ट्राई करने जा रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। आप में से कितने दिल्ली वाले लोग भी आ चुके होंगे यहाँ पे, तो वो मेरा तो भाई फर्स्ट टाइम है। तो गाइस यहाँ पे हमारा बन रहा है मसाला डोसा, जो कि मैंने ऑर्डर करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस मैं डोसा जो कि बन रहा है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, भैया मेरे डोसा बना रहे हैं, और दीदी और पापा पराठे खा रहे हैं, और मैं डोसा खा रहा हूँ। यहाँ पे भैया मेरा डोसा बना दिए, बस बनने वाला है। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही था बस, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और आपको ऐसी और मजेदार व्लॉग्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैंने इंस्टाग्राम की भी अपने वो बना देगा, और अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे है इंस्टाग्राम,